गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है सेंट पेरियन मिकेलोन। ऑफिशियली द टेरिटोरियल कलेक्टिविटी ऑफ सेंट पेरियन मिकेलोन इज अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी ओवरसीज कलेक्टिविटी ऑफ फ्रांस। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी क्लोजेस्ट कंट्री पर आते हैं तो कैनेडा इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है। अभी हम आते हैं इसके पॉपुलेशन पे, तो 6,000 पॉपुलेशन है इस कंट्री में। आइलैंड कंट्री आप कह सकते हो या एक आइलैंड कह सकते हो फ्रांस का। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके कंट्री पे, तो फ्रांस की टेरिटरी है। अब मैंने जैसे कि कहा आपको, सेंट पेरियन मिकेलोन एक फ्रांस की टेरिटरी है। इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है कनाडा और पॉपुलेशन है 6,000, तो काफ़ी कम पॉपुलेशन है। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके लार्जेस्ट सिटी भी फ्रेंड, इसकी जो है वो सेंट पेरिया ही है। कैपिटल सेंट पेरिया और लार्जेस्ट सिटी भी सेंट पेरिया ही है। अभी हम आते हैं इसके ऑफिशियल लैंग्वेज पे, तो फ्रेंच एंड इंग्लिश यहाँ पे चलता है सेंट पेरियन मिकेलोन में। करेंसी पे आते हैं तो ऑब्वियसली फ्रांस की टेरिटरी है तो यूरो ही है, तो यूरो का जो एक्सचेंज रेट है वो 87.88। अभी हम आते हैं इसके ड्राइविंग साइड पे, तो ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +508। अभी हम आते हैं इसके वीज़ा पे, तो वीज़ा रिक्वायर्ड है हम इंडियंस के लिए। ठीक है, एक्सेप्ट यूएसए का वीज़ा आपका होगा, आपके पासपोर्ट पे लगा होगा या कैनेडा का, तो आपको वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आते हैं इसके पोर्टल पे, तो पोर्टल या वीज़ा लिस्ट या काफ़ी जो होते हैं एजेंट्स उनके पास आप जाके आप फिलअप करवा सकते हो। ठीक है, फ्रेंच डिप्लोमेटिक मिशन एम्बेसी काउंसलर में काउंसलिंग जो है इंडिया में मुंबई या दिल्ली में ही है, तो वहाँ पे आप जा सके, वहाँ पे सबमिट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स। आपकी जो मैंडेटरी फ़ीस होगी वो पे करके रेस्ट ऑफ आपका जो डॉक्यूमेंट के साथ में वो फॉर्म के साथ में आपको सबमिशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीज़ा का है, लेकिन आप मेरा सजेशन ये होगा कि आप एजेंट के थ्रू से जाइए, एजेंट को दीजिए 1,000-2,000 एडिशनल, वो जो भी कुछ चार्जेस होगा वो एक्सेप्ट $50 USD वीज़ा फीस है, इसके ऊपर जो भी कुछ चार्जेस होगा जैसे कि 1,500 रुपीज़ कुछ भी, वो एजेंट आपका जो एरिया में होगा वो आपको फिलअप करके दे देगा, तो उसको जो चार्जेस होगा वो अपना जो चार्जेस फिलअप करने का फॉर्म का वो ले लेगा। लेकिन माइनर मिस्टेक हो गए तो आपका वीज़ा रिजेक्शन होगा अगर आप खुद पर्सनली करते हो, तो आप एजेंट के थ्रू से जाइए, एजेंट को ये कहिए वो आपके लिए करके दे देगा। ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम है वैलिडिटी 90 डेज़ का है, इसमें से 60 डेज़ आप रुक सकते हो वहाँ पे। ठीक है, स्टे पीरियड 90 डेज़ या 60 डेज़ एक्सटेंडेबल भी है, एक्सटेंड करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसकी जो ये है वीज़ा फीस 50 USD है, प्रोसेसिंग टाइम 1 मंथ पकड़ के आप चले। ठीक है, तो यही है। और अभी हम आते हैं इसके मिनिमम एवरेज एंड हाई सैलरी पे, तो 650 है, तो 56,000 होता है इंडियन करेंसी में, 6650 यूरो का। ठीक है, एवरेज है 2,000, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 1,74,000। हाई सैलरी है 7,000 यूरो, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 6 लाख। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस होगा फ्रेंड्स, या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर भी सैलरी प्रोवाइड होती है, लेकिन एवरेज तो आपको 1 लाख रुपया तो मिल ही जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि वहाँ पे यूरो में यूरो चलता है। ठीक है, अभी मतलब इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, जो भी मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग का होगा वो यूरो में का होगा। ठीक है, तो मिल्क है 1 यूरो, 1 लीटर, राइस है 1 kg 2.20 यूरो, एग है 1 kg 4 यूरो, एप्पल है 1 kg 3.75 यूरो, टमाटो है 1 kg 4 यूरो, पोटैटो है 1 kg 2 यूरो, ऑनियन है 1 kg 2.25 यूरो, वाटर है 1.5 लीटर का 0.65 सेंट्स। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके अपार्टमेंट पे, अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर आप जा रहे हो वहाँ पे सेंट पेरिया में, तो आपका कितना होगा 1 बेडरूम का, तो 1 बेडरूम का 700 होगा और आउटसाइड सिटी 500 होगा, 3 बेडरूम का 1,000 होगा, आउटसाइड सिटी 800 होगा। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके रूट पे, तो मुंबई दिल्ली से एम्स्टरडैम, एम्स्टरडैम से कनाडा। ठीक है, यही रूट बन रहा है क्योंकि कनाडा के पास में है, तो कनाडा होके फ्लाइट जाएगी आपकी। आपको ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा का, और सेंट पेरियन मिकेलोन का आपको वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है, और चीप है, इसकी जो टिकट्स है वो है लगभग 68,000, तो रिटर्न का हो गया 1,20,000-1,30,000 के आसपास पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आपको कनाडा का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना है और सेंट पेरियन का आपका टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई होगा। ठीक है, अभी हम इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे, तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में आपका जो पासपोर्ट हो गया विथ 6 मंथ्स वैलिडिटी और 4 to 5 ब्लैंक पेज होने चाहिए, होटल रिजर्वेशन हो गया, रिटर्न टिकट्स हो गया, वीज़ा हो गया, ट्रांजिट वीज़ा आपको लगेगा कनाडा का, और फाइनल डेस्टिनेशन का सेंट पेरियन का टूरिस्ट वीज़ा लगेगा। फिर PCC बनवा लीजिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो आपको नीड्स है, आपको लगेगा ही, इसके अलावा आपको जॉब नहीं मिलेगा फिर।
वहाँ का एम्प्लॉयर आपको पूछेगा कि आपको पीसीसी आपको सबमिट करना है लेबर डिपार्टमेंट में, तो आप पीसीसी लेके आएंगे। अगर आप लेके नहीं जाते तो फिर आपको इंडिया वापस आना होगा, फिर वापस जाना होगा। तो उससे बेटर है आप पहले से आपका इंटेंशन जॉब या बिजनेस होगा तो आप पीसीसी लेके जाइए, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाइए, कोविड सर्टिफिकेट लेके जाइए, ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लीजिए, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। और वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा वो आप ही का लगेगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस का जो ITR फाइल लगेगी, आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, फंड्स आपको सेव करके बताना पड़ेगा कि आपके पास 7-8 लाख रुपया 6 लाख रुपया है ऐसा, ठीक है। उसके बेस के ऊपर मिलेगा। वन शॉट में आप डिपॉजिट ना करें अकाउंट में, वो काउंसलर को पता चल जाएगा बैंक स्टेटमेंट के, इससे कि आप पहले आपके अकाउंट में पैसे आए नहीं, वन शॉट में पेमेंट आए तो आपने कहाँ से अरेंज करके डाले पैसे, ठीक है। तो ऐसा सब ना करें, लीगली करें जो भी है, तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही है, और कुछ भी क्वेरीज होगा तो प्लीज़ मुझे कॉल करें, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग, हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।